नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे बीएससी एजी करते हैं उनको आईसीएआर में जेआरएफ का एक अपना सपना होता है, और कई बच्चे इसकी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उसका ऐड एनटीए ने कल निकाल दिया है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस ऐड के मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं। सबसे पहले अगर आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो यह पब्लिक नोटिस मिलेगा जो आपको 20 जुलाई 2022 को निकला है, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करी है आईसीएआर ने, जिस यूजी के लिए भी, पीजी के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। तो इस एडवर्टाइजमेंट के मुख्य बिंदु जो नोट करने लायक हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और ये 19 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसके बाद में उन्होंने दो अगर आपके फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक हो गई हो उसको सही करने के लिए 21 अगस्त से 23 अगस्त का टाइम दिया है, जहाँ आप करेक्शन विंडो में जाकर अपनी भूल सुधार कर सकते हैं। इसमें ये एग्ज़ाम का फीस भी है, जनरल कैटेगरी के लिए है 1150 रुपये, ओबीसी के लिए है 1120 रुपये, और एसटीएससी ट्रांसजेंडर के लिए है 570 रुपये। अभी इसके एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं की है, लेकिन इस पर एनटीए वर्क कर रहा है और बहुत जल्दी डेट अनाउंस होने वाली है। इसके लिए आप एनटीए और आईसीएआर की वेबसाइट्स हैं ICAR.NTA.NIC.IN, इस पर लगातार चेक करते रहें और अपडेट्स लेते रहें। अगर इसका फॉर्म बनना है तो 3 स्टेप्स इसके बनाए हैं। स्टेप 1 में आपको केवल आपका यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने फॉर्म के साथ सारी डिटेल्स उसमें भरिए, और जब सारी चीज़ आप सबमिट करा दोगे तो पूरा कंप्लीट फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपसे फ़ीस मांगी जाएगी, जो आप किसी भी SBI, कैनरा, HDFC बैंक के माध्यम से फ़ीस जमा करा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है और हर चीज़ को NTA देख रहा है। NTA काफ़ी सालों से इस तरह के एग्ज़ाम करा रहा है, तो पूरा परफेक्ट सिस्टम है, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर जब आप ये NTA की साइट खोलेंगे तो आप इस तरह का आइकन आपको देखने को मिलेगा। आप यह न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर इस क्लिक करोगे तो आपको पूरा ब्रोशर मिल जाएगा पीजी एग्ज़ाम का। वहाँ 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, यूजी, पीजी और पीएचडी। आप पीजी को क्लिक कीजिए, पूरा ब्रोशर है और सारी चीज़ें उसमें हैं, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ICAR 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि जहाँ पर इस ढंग के पीएचडी में एडमिशन होते हैं। आप अपना सब्जेक्ट वाइज जहाँ जो सीट अवेलेबल है वो आप ICAR के ब्रोशर पे में एक साइट दी हुई है, उस साइट में जाकर देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो 25% सीट्स एक जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी की, उसमें से 25% सीटें ICAR के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से होंगी। इस साल इन सीटों को बढ़ाकर 30% करने का चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए एक अच्छी बात हो जाएगी। इसके अलावा जो ICAR की खुद की यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें 100% सीटें इस टेस्ट के माध्यम से भरी जाएंगी। और बड़ा एग्ज़ाम होगा, 89 सिटीज़ पूरे देश में सेंटर हैं वहाँ पर इस ICAR के इस एग्ज़ाम के, तो आप कहीं पर भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 10+2+6 या 12+4 या 10+6 में BSc AG की डिग्री होनी चाहिए। और एक ख़ास बात यह है कि आपकी जो डिग्री है BSc की वो ICAR एक्रेडिट कॉलेज से होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने सब कुछ पास कर लिया लेकिन अगर डिग्री आपकी ICAR एक्रेडिट कॉलेज से नहीं है तो आपको लास्ट मोमेंट पर बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि अगर आप फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज की अगर हम बात करते हैं तो आपको 31 अगस्त 2022 को कम से कम 19 साल का होना ज़रूरी है। इसकी ये एग्ज़ाम टोटली कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने BSc में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। और ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। अगर आपने सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, और गलत किया तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। चूँकि ये PG एग्ज़ाम है तो यह मीडियम केवल इंग्लिश मिलेगा, और आपको इंग्लिश में ही एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक ही आपको लगाने हैं। और इस सिलेबस वैसे तो आपने सारा BSc में पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी ICAR की वेबसाइट पर ये अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर स्कॉलरशिप, जो कि मेन अट्रैक्शन होता है दोस्तों, जो ICAR PG करीब 600 स्टूडेंट्स को मिलेगी, और जो टॉप स्कॉलर होंगे, और उन हर सब्जेक्ट वाइज स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको NTS दी जाएगी, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। तो अगर अमाउंट की बात करते हैं तो जो जिन लोगों का ICAR PG में हो जाएगा, या इसको JRF भी बोलते हैं कई बार, उसका अमाउंट रहेगा 12,640 प्रति माह। इसके अलावा 6,000 रुपये प्रति साल की कंटिजेंसी भी रहेगी।
अगर आप JRF या PG फेलोशिप नहीं मिलते हैं और आपको NTS मिलती है तो उसमें आपको 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो दोस्तों अच्छी फेलोशिप है, अच्छा स्कोप है, आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।